नमस्ते। मराठवाड़ा नेता यूट्यूब चैनल में मैं सभी श्रोताओं का मनपूर्वक स्वागत करता हूं। मराठवाड़ा नेता यूट्यूब के माध्यम से कृषि, एजुकेशन, साथ ही पॉलिटिक्स, साइंस, अलग अलग विषयों पर हम इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन आज हम एक महत्वपूर्ण विषय जिससे करीब करीब 90-99% पब्लिक का ये सवाल होता है, मेरा धंधा कैसा चलेगा, मेरी शादी होगी क्या, मेरे को लड़का होगा क्या, मैं गाड़ी लूँगा क्या, मेरा लव मैरिज होगा क्या, अरे अलग अलग हर प्रकार के। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंटरकास्ट मैरिज सक्सेस होगा क्या, किसान खेती लूँ क्या, कौन से मुहूर्त पर लूँ, ऐसे अलग अलग सवाल किए जाते हैं। तो हम आज बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को डर बताया जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि लोगों से पैसे निकाले जाते हैं, चीटिंग होती है। तो सच में ये क्या है, ये रियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी के लेने के लिए हम तेलंगाना में के उमा शर्मा जी से मिलने जा रहे हैं। नमस्ते। जय मांबे। दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपका इंट्रोडक्शन, एजुकेशन, इसके बारे में जानकारी श्रोताओं को दे, इस प्रकार की विनंती करता हूँ। जी मांबे, मेरा नाम उमा शर्मा है, मैं महबूबाबाद जिला MBA फाइनेंस कंप्लीटेड हूँ। मेरी एस्ट्रोलॉजी में 16 ईयर से सर्विस चल रही है। मेरा जो भी काम है माँ ललिता के उपासना पे ही सब कंप्लीट करती हूँ। मेरे गुरु महाराज के आदेश पे हम बहुत ही पुराने तरीकों से ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, वो चाहे एस्ट्रोलॉजी में हो, मैरिज के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड और प्रोफेशन और करियर, इस सभी को गाइडलाइंस देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आप फर्स्ट टाइम यानी किसको कौन से सब्जेक्ट पे गाइडेंस किया, उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? लड़की की शादी नहीं हो रही थी, बहुत ही चिंतन थी, 28 वर्ष थे, इतना कन्फ्यूजन था कि माँ भी रोने लग गई थी कि बेटी की शादी बिल्कुल ही नहीं हो रही है। जब मेरे गुरु महाराज के आदेश पे मैंने सब उनका जो भी है पार्ट ऑफ कुंडली खोला और देखा और उसको मैंने गाइडलाइंस दी कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेमेडीज करना है आपको, बट टाइम और डेट वैल्यूज मोर, तो ये मेंटेन करते उन्होंने किया और विद इन द स्पैन ऑफ तीन महीने सक्सेसफुली एक अच्छी शादी और अर्निंग ऑफ 1.5 लाख सैलरी, उसको करियर में भी मैंने गाइडलाइंस दी है, बच्चों के लिए भी गाइडलाइंस दी है। नाउ शी इज वेल सेटल्ड इन हैदराबाद। अच्छा, एक तरफ आप MBA फाइनेंस हुए हुए हो, दूसरे तरफ ये एस्ट्रोलॉजी को लोग यानी अंधश्रद्धा कहते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस। हम सूरज जी को नमन करते हैं। मैं मेरे जो भी फॉलोवर्स है या मैं जिसे भी गाइडलाइंस देती हूँ, मेरा फर्स्ट आंसर होता है कि आप सूरज जी को जल डालें, क्योंकि नवग्रह 9 planets अकॉर्डिंग टू साइंस है, तो हमारे यहाँ भी 9 planets ही होते हैं रिचुअली। तो अगर आप एक बार सूरज जी को जल डालेंगे तो ये क्लियर है कि आप पूरे ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो क्योंकि सूरज जी उगने से पहले उठना है, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये सब साइंटिफिकली प्रूफन है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, हम साइंसली अगर उनको समझाते हुए लेके जाएंगे सामने तो किसी के पास भी कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कुंडली देखकर एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट करते हैं, कुछ फेस रीडिंग से करते हैं, कुछ लोग हस्त रेशा से फोरकास्ट करते हैं, तो आप यानी किस प्रकार फोरकास्ट करते हो? मेरा मेडिटेशन ज़्यादा है, 3 o'clock को उठना, 3 बजे, फिर 2-3 hours मेडिटेशन करना। जब भी मैं इंसान को देखती हूँ
तो मैं ना मैं उनकी कुंडली देखती हूँ ना ही सब कुछ, मैं पहले उनकी सोल की आरा चेक करती हूँ कि उनकी रेडिएशन कितनी दूर तक है, कि ये धार्मिक है या तो प्रभोबल ज्यादा है। क्योंकि देखिए पूजा पाठ से भी नहीं, काम से भी इंसान जाना जाता है। अगर वो एकदम स्टन काम करता है तो उसका भी प्रभोबल आरा बहुत स्ट्रांग होती है। तो मैं पहले आरा को देखती हूँ, फिर ही उसको पकड़ के उसका डेस्टिनेशन जो भी है उनको दिखाती हूँ। अच्छा, तो अब समझो कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, वो आप तो तमिलनाडु में हो, वो इधर महाराष्ट्र में है, या विश्व के किधर भी हो सकता है, तो आप यानी उनका फोरकास्ट या उनके सवाल का जवाब यानी आप किस प्रकार यानी फोन पर देते हो या समक्ष मिलकर देते हो? अगर पर्सन इज इन लॉन्ग डिस्टेंस तो मैं उनको फर्स्ट तो कहती हूँ कि कंप्लीट आपके जो भी नाम है सब, मुझे गोत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है, गोत्र को चेक करते हैं, फिर उनकी फोटो पिक मंगवाते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि इंसान कैसे बीमार है, वो मानसिक रूप से बीमार है या शारीरिक रूप से या डरा हुआ है। वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए मैं उनको सिंपल रूप में पहले इंस्टेंटली बाहर निकलने के लिए रेमेडीज करवाती हूँ जबकि जब, और बाद में उनको धीरे धीरे 3-4 डेज में जो भी प्रॉब्लम है उसे आउटपुट दे देती हूँ। अच्छा, सबसे अहम बात है कि आप लास्ट कितने साल से? 16 साल। तो लास्ट 16 साल में, 16 साल पहले और आज मेन इश्यू मेन प्रॉब्लम क्या है? यूथ करियर चॉइस नहीं कर सक रहा है, और फर्टिलिटी प्रॉब्लम मेनली देखा जा रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ फूड मैदा कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, आउटर फूड ज्यादा हो रहा है, आउटिंग ज़्यादा हो रही है, तो इससे क्या होता है कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल कम हो जा रहा है। वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मोबाइल में ढूंढ रहा है। अगर डिस्कस करने से ही प्रॉब्लम मिल जाती है तो हम मोबाइल में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इक्विपमेंट्स यूज़ करना ज़्यादा, और जो टाइम हम फैमिली को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेजर इशू जो भी करियर का है डिपेंडिंग ऑफ, मैं एकदम डिडक्ट कर देती हूँ कि आपको ये करियर सूटेबल होता है, आपको ये करियर ही चॉइस करना है, और उसमें से कौन सा आउटपुट ज़्यादा देगा, 40% सपोर्ट 60, तो मैं 90% का उनको बोलती हूँ कि आप ये करियर चॉइस कीजिए। और ऑलमोस्ट मैं आज तक माँ की दया से सक्सेस ही हूँ, और बहुत तक को मैंने गाइडलाइंस दी है, जैसे सॉफ्टवेयर वालों को, डॉक्टर वालों को, लॉयर, IAS, लैंड इश्यूज, ये सब भी एकदम सक्सेस, कोई भी आज तक कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आप एक तरफ तो गोत्र पूछते हो और दूसरे तरफ आप जो साधना करते हैं, सो कौन से माता की साधना करते हो? श्री माँ ललिता। तो हर भक्त को श्री माँ ललिता की ही साधना करने को कहते हो या उनके उनके गोत्र के अनुसार कहते हो? माँ की उपासना, माँ कोई भी माई होती है, मैं पहले तो बोलती हूँ कि कुलदेवी माता को स्मरण जरूर करे, गढ़ की माता को स्मरण जरूर करे। एक जमाना था जब हम जबी भी खेती बाड़ी के जमाने में जाके एक बार देखेंगे तो हम नदी को और धरती को पूजन ज्यादा किया जाता था, और माँ के शीतला माँ को बोले बिना कोई प्रयाण भी नहीं करता था, ये सब मायने रखते। तो मैं पहले उनको पूछती हूँ कि कुलदेवी कौन है, उनकी कुलदेवी माता को स्मरण कराती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ कि फोर्सेबल नहीं है पर पार्वती माँ का ही रूप है, अगर ललिता माँ का ललिता सहस्र नाम और उनका स्पर्श करने से क्या होता है, जो भी इश्यूज होते हैं उसको मार्ग मुझे दिखाई देना शुरू होता है, क्योंकि मेडिटेशन में इतना पावर होता है कि मैं सामने वाले के जो भी इश्यूज हो रहा है वो मुझे दिखता है, मैं देख पाती हूँ, और उसको उस गाइडलाइन से मैं उनको क्लियरली वे दिखा देती हूँ। माँ की साधना पूजा पाठ किस प्रकार करना चाहिए? बहुत ही सरल है, माँ ललिता पार्वती माँ का रूप है, उनका एक नवज्योति लोक है जिसे हम मनद्वीप कहते हैं। ऑलरेडी मेरे बहुत जन इन्हें फॉलो कर रहे हैं। फूलों की पूजा होती है, 32 अध्याय होते हैं माँ के, वो 32 अध्याय में एक एक अध्याय का एक एक फूल चढ़ता है, ऐसे हमें 32 प्रकार के फूल चढ़ाए जाते हैं। एक तो
आप फूल लेने जाएंगे तो आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है, एक से एक आप बात करोगे कि मुझे फूल चाहिए, तो इससे आपको क्या होगा, आप मोबाइल से बाहर निकल जाते हो और आप भगवान की पूजा के लिए डिस्कस करना शुरू हो जाता है। ऐसे मैं लेडीज को क्या करती हूँ, ऐसे पूजा करने से आप निकल रहे हो बाहर, कम्युनिकेशन जो आपका डेली कन्वर्जेशन है वो बदल के पूजा पाठ के तरफ पलटता है। जैसे माँ का अध्याय शुरू करते हैं, शुक्रवार शुक्रवार पूजा करते हो, तो आप खुद इतने मिराकल्स देखते हैं कि कॉन्स्टेबिलिटी आपके माइंड में कॉन्स्टेंट डिसीजन लेने का पावर ज़्यादा बढ़ता है, जिससे लेडीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डे बाय डे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड नहीं रह रहा है। और छोटी सी बात है, मेरे पास समझ लीजिए बोलेरो कार है और मेरे बाजू में रहने वाले के पास इनोवा आ गई, तो लोग जलते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि यानी ब्लैक यानी कुछ भी करनी भानामती करते हैं, आपका इसके बारे में, करनी भानामती के बारे में आपका क्या कहना है? जहां पॉजिटिविटी है वहां नेगेटिव भी है। नेगेटिव फोर्स रहेगा तो ही हमें पॉजिटिव की वैल्यू मालूम होती है। तो मैं क्या कहती हूँ, मिनिमम सोर्सेस ऑफ पॉजिटिविटी घर में बढ़ाना है। थिंकिंग ऑफ पीपल जो भी है, अगर हमें जेलेसी होती है तो ये सब कुछ रॉन्ग रूट में जाते हैं और करवाते हैं, पर इसको अगर हमारा सोल स्ट्रांग होता है, परोबल भगवान की पूजा पाठ ज़्यादा होती है, गलत विषय में नहीं जाना है, राइट वे में ही हम उसे पूर्ण कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली होता है, पर उसे हम जीत भी सकते हैं। अच्छा, पहले यानी आपके बचपन में, मेरे बचपन में दादी रहती थी, दादा रहते थे, दिया दिया दीपत्कार काली कुंडल मोतिहार, बड़ेरा आदमी के पैर पड़ो, आने के बाद रोज उठ के पूजा करो, हनुमान चालीसा बोलो, वेंकटेश स्तोत्र बोलो, ललिता स्तोत्र बोलो, इस प्रकार के संस्कार होते थे। आज हमको पूजा पाठ हो समय नहीं है, पैर पड़ना हम पाप समझते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पास्ट आपने मेरे बचपन की याद दिला दी। मेरे पापा और मम्मी हनुमान कवच देते थे, तो जैसे ही हम उठते थे सुबह, हमारा फर्स्ट काम है कि हमें जल्दी से फ्रेश होना है, सूरज जी को जल डालना है और पिता जी के पैर पड़ना है। ये एक एक्सरसाइज है एक्चुअली, जो आप पैर पड़ते हो हाथ, अभी कोविड में इसकी वैल्यू मालूम हो गई है हमें, इसकी नहीं इसकी वैल्यू मालूम हुई है। तो देखते हैं हम कि जैसे जैसे साइंस अगर हम दिखाते हैं हमारे जो भी रिचुअल्स में, तो वो करेक्ट दिखाई देता है। हमें बच्चों को साइंटिफिकली दिखाना है कि चरण छीने से, बड़ों के आशीर्वाद लेने से, या तो भगवान का स्मरण करने से क्या होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। अगर भगवान का चालीसा किया जाता, चालीसा में क्या होता है, भगवान ने क्या क्या किया वो स्मरण किया, तो आपने क्या क्या किया जिंदगी में, वो उसे रूट दिखाता है कि भगवान ने ये सब किया तो आप भी कुछ तो करो कि आपका भी चालीसा लिखा जाए। अच्छा, डे बाय डे ऐसा होते जा रहा है कि हम करनी करे तब नहीं डरे, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से आए। हम यानी नॉन वेज खाते हैं, व्याभिचार करते हैं, हमारा चारित्र के तरफ हम ख्याल नहीं देते, फिर हमारी नीयत साफ नहीं रहती, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसका इफेक्ट अपने चार यानी बिजनेस में, लाइफ में होता है क्या? माँ बाप के कर्म ही बच्चों के डेस्टिनी को डिसाइड होता है, ये तो सही है। अगर हमारे कर्म ठीक होंगे तो ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर वो इफेक्ट नहीं देता है। मेरे पास इतने पेरेंट्स आते हैं, मेरे बच्चों को बच्चे नहीं हो रहे दीदी, सक्स बिजनेस है, इतना पैसा है, सब कुछ है, फिर भी मेरे बच्चे सक्सेस नहीं है, क्यों ऐसे, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं, कंटिन्यू बीमार क्यों रह रहा है। देखिए, थोड़े थोड़े ग्रह इधर उधर होने से प्रॉब्लम होता है, पर छोटे रेमेडीज से उससे रिसॉल्व भी होता है। पर अगर कर्म ही ठीक नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको उसको भोगना पड़ता है, पर उसे हम धो भी सकते हैं। दान करिए, पूजा पाठ करिए,
सोत्र करिए भगवान का, बच्चों को बचपन से ही भगवान के मार्ग पे चलाइए। मैं ये नहीं कहती कि टाइम निकाल के उनको खराब करना है, उनके टाइम में ही उनको हम सब कुछ सिखा सकते हैं। बहुत बार मेंटली कंसंट्रेशन नहीं रहने की वजह से आदमी छिड़छिड़ा बनते जाता है, घर में बाप बेटे का, मिस्टर मिसेस का, भाई भाई का बेबला होता है। तो इसके रीजन क्या है? आजकल मर्डर बनते जा बढ़ रहे हैं, रेप बढ़ रहे हैं, और हम देखते हैं एक आदमी अपने प्रियसी के 35 टुकड़े करता है, दूसरे तरफ प्रियसी प्रिय करके 10 टुकड़े करता है। ये किस तरफ दुनिया जा रही है? एकदम सही सवाल सोसाइटी के रिलेटेड में है। फर्स्ट थिंग तो हमें क्या सीखना है, बच्चों को आप अंडरस्टैंडिंग सिखाइए, एडजस्टमेंट सिखाइए। मैं ये नहीं करती कि कॉम्प्रोमाइज करो, एडजस्टमेंट इज वेरी नेसेसरी। अगर आप बहन के साथ मूव हो रहे हो या माँ के साथ मूव हो रहे हो, तो उनकी सिचुएशन में जाके अगर आप थिंकिंग शुरू करोगे, नहीं झगड़ा होगा, नहीं कोई बात बड़ी होगी, नहीं आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स उठेंगे। आजकल क्या हो रहा है, इंसान अपने रिलेशन से दूर जा रहा है, ना ही उसे समझने की कोशिश कर रहा है, ना ही उसका कोई प्रश्न का आंसर दे पा रहा है। अगर बच्चे को माँ कहती है बेटा मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो वो सीधा कहता मैंने नंबर ले लिया है, कार एंगेज कर दिया है, मम्मी आप जाके आ जाना। अगर थोड़ा सा टाइम ऑफिस जाने के टाइम वो ड्रॉप कर देता है, तो माँ की आधी बीमारी वहीं पर ही कम हो जाती है। जैसे खावे अन्न वैसे हुए मन, ये एक तरफ कहा जाता है, और दूसरे तरफ डे बाय डे होटलिंग में जाना। मिसेस बोलती है, बच्चे बोलते हैं, कभी मिस्टर बोलते हैं, मैं थक गई, चलो हम होटल जाएंगे। किस हद तक, मैं होटल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किस हद तक जब मंत्र शक्ति या घर में रसोई करने वाली माँ बहन बेटी ये करती है, तो उसमें सात्विक भाव होता है, और होटल का तो कमर्शियलाइजेशन होता है। तो आपका ये मॉडर्न कल्चर के बारे में क्या कहना है? बीइंग इन दिस मॉडर्न सोसाइटी, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, पर इसका आंसर बहुत सरल है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो वन में जाके हम पिकनिक मनाते थे विथ फैमिली, नॉट इंडिविजुअली। हस्बैंड वाइफ बच्चे चले गए, दादा दादी को छोड़ दिए, नाना नानी को छोड़ दिए, होटल में जाके खाते हैं क्योंकि हमें बनाने का रिस्क हो रहा है, संडे है, आउटिंग है। यस, ये नीडेड है, रिफ्रेशमेंट इज नीडेड, बट रिफ्रेशमेंट कैसा होना चाहिए आप खुद बनाइए। क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी माँ को देखा है, मेरे मम्मी जब रसोई बनाते थे तो वो भजन करते हुए बनाती थी, और हमें वो टेस्ट इतना अच्छा लगता था कि आज भी जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं सिर्फ यही काम करती हूँ कि भगवान के नमन करते हुए वो तत्व पूरा वो रोटी में जाता है, और वो बच्चों को ग्रहण, माँ का कितना लालच होता। देखिए, एक रोटी अगर बच्चे ने ले ली थाली में, तो वो दूसरे के लिए रेडी हो जाती है बनाने के लिए, कि लालच होता कि मेरा बेटा एक और रोटी खाएगा। देखिए, अगर वो होटल वाले के पास देखे, ऑर्डर अगर फर्स्ट टू सेकेंड होता है, तो वो इरिटेट हो जाके मसाला या इधर उधर कर देता। माँ इरिटेट नहीं होती, पर होटल वाले इरिटेट हो जाते हैं ऑर्डर पे। इसीलिए हमें क्या करना है, पास्ट कल्चर को जैसे है वैसे हम फिर से उसको वापस लाना है। जैसे अगर हम तेलंगाना आंध्र के तरफ देखते हैं, तो हम वन महोत्सव में जाते हैं, जैसे सावन में सेल करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, फैमिली के साथ गेम्स होते हैं, फैमिली से कम्युनिकेशन बढ़ता है, सोशल रिलेशन बढ़ता है, कौन क्या बिजनेस करा, कौन लेडी क्या कर रही है, ये सब हमें मिलके एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, और हमें इसे ये पता चलता है कि किसको क्या रेसिपीज आती है, और हमें थोड़े बहुत टिप्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे। सबसे अहम संस्कार, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है उसके संस्कार होते हैं, फिर उसको मराठी में डोहाळे जेवण कहते हैं,
अपने में और अलग शब्द है। शादी के समय भी यानी जब होती है तो घर में दुल्हन आती है तो पहले शादी 6-7 दिन की चलती थी, हल्दी लगती थी, वारना लेते थे, फिर मेहंदी हाथ पर रंगाते थे और उसी प्रकार यानी साथ ही साथ यानी बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया उसकी मुंज करना ये होता था। फिर बाद में उसकी शादी के बाद में कुछ दिन पूजा विधि करना कंपलसरी करता रहता था। फिर बाद में अंत्य संस्कार, वृद्धाश्रम, अंत्य संस्कार और अंत्य संस्कार के बाद 10-12 दिन ये माने जाते थे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन रिलेटेड टू हिंदुइज्म, रिलेटेड टू इंडिया, ये हमारी संस्कृति, संस्कार, कल्चर इसके बारे में है। इसका बारे में आपका क्या कहना है? फर्टिलिटी आजकल बहुत बड़ा इश्यू है एक्चुअली। तो पहले क्या होता था, अगर घर में कोई गर्भवती है तो दादी नानी जैसे बोलते थे वैसे ही खाने का सब कुछ रिस्ट्रिक्शन पे चलता था। और आप देखे भी रिजल्ट में अपने बड़े कभी बीमार नहीं होते, नहीं उनको कोई बीमारी जल्दी से अटैक होती है और स्वस्थ रहते हैं। आजकल क्या है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन अगर हम बहू बेटों को बोल देते हैं तो उनको गुस्सा आता है, मुझे फास्ट फूड ही खाना है। एक्चुअली फास्ट फूड इज़ ए वेरी फास्ट फूड, एकदम फास्ट में हो जाता है लाइफ पूरी, तो उसे थोड़ा अवॉइडेबल करना चाहिए। और ये जो मॉडर्न कल्चर आप बोल रहे हो, हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे, बाहर के लोग आके अपनी संस्कृति ले रहे हैं तो हम क्यों भूल रहे हैं। हमें ये याद रखना है कि दादा नाना नानी ने जो भी संस्कार दे रहे हैं उसे बच्चों को पीसफुली सिखाया जाए, मोबाइल को बाजू में रखा जाए। घर में जैसे ही आते हैं आप अपना मोबाइल एक कॉर्नर में डाल दीजिए, अपने बच्चों से कम्युनिकेट करिए उसके दिल में क्या चल रहा है, घर में बहू क्या थिंकिंग कर रही है, बेटी क्या सोच रही है उसके घर। मैं एक ही कहती हूँ, जैसा आप इक्विपमेंट्स के नज़दीक जाएंगे उतना ही फैमिली से दूर हो जाएंगे। आजकल अगर आप बात नहीं करते तो वाइफ दो महीने तक बात नहीं करती, क्योंकि शी इज़ हैविंग टाइम पास ऑफ मोबाइल विथ हर, इजीली टाइम पास कर ले, या बिजनेस होता है बिजनेस में लग जाती है। ये कम्युनिकेशन दूर हो रहा है, कल्चर को भूलना नहीं है। जैसे शादी का अगर हम देखते हैं, जैसे आपने मुझे प्रश्न डाला, 5 दिन की शादी होती थी, बहुत कुछ हमें मिलता था, दूर दूर के लोग जो जो रिलेशन है उनके नाम पता चलता था, उनके बच्चे कितने। आज अपने दादा का नाम पूछिए बच्चा बोल देगा, परदादा का पूछिए नहीं मालूम। पहले के बच्चों को 7 पीढ़ियों के नाम याद रहते थे। तो सोचिए कि कल्चर कहाँ से कहाँ जा रहा है। हमें अपने बच्चों को शादी की विधि, अब बोलेंगे मुझे मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर जॉब है, मुझे लीव सिर्फ 3 दिन की मिली है। चाहे 3 दिन की ही रहे, सबसे बड़ी जिंदगी निभाने जा रहे हो, एक लड़की और लड़के की शादी है तो उसे विधि पूर्वक शादी अगर आप करते हो, सबसे पहले तो जो 5 घंटे की शादी थी अब 1.5 घंटे में से आधे घंटे में आ गई। और रजिस्टर मैरिज तो वेरी सिंपल, ए सिंपल सिग्नेचर वोंट बाउंड द फैमिली, फैमिली को बाउंड नहीं करता, 2 पीपल को ही बाउंड करता है। अगर यही हम अपने प्रकार से शादी करेंगे तो हमें क्या दिखाई देता है कि फैमिली फैमिली अंडरस्टैंडिंग होती है, आप क्या लेके आए हम क्या लेके आए, अंडरस्टैंडिंग से वहाँ चलते हैं, विधिपूर्वक शादी होती है तो निभाई भी जाती है। आपकी शादी लीजिए तो 60 ईयर्स कंप्लीटेड है सक्सेसफुली। अभी आप सेकेंड जनरेशन का देखेंगे तो कुछ ना कुछ लड़ाई चलती रहती है, क्योंकि जब शादी होती थी विधि पूर्वक नहीं होती है तो वो इफेक्ट कंपलसरी अपने मैरिज पे होता ही है। आजकल कल्चर देखा, लड़की जब लड़का वरमाला डाल रहे हैं तो खींचा खांची होते रहती है। ओके, खेल है, फ्रेंड्स के साथ मैरिज में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पर ये जो खींचा खांची टाइम मुहूर्त निकल जाता है तो इंसान के लाइफ में वो इफेक्ट होता ही है। हर कार्य के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त ही क्यों कहा जाता है? एक देखिए राहु काल, दिन में हर दिन संडे टू लेके सैटरडे तक अगर आप देखते हैं तो राहु काल का फिक्स टाइम होता है। वो टाइम में अगर आप काम करते हो तो वो काम सक्सेस नहीं होता,
इसीलिए हम उसे अवॉइडेबल करके शुभ मुहूर्त निकालते हैं। शुभ क्यों बोले तो उस टाइम में आपको ग्रह सब सपोर्टिव है, आप करेंगे तो उसमें सक्सेस ही होगा। अगर आप वो नहीं करते तो आप रिजल्ट में डेफिनेटली देखोगे कि कुछ तो कुछ इफेक्ट था। अगर शादी में मंगलसूत्र का टाइम देखेंगे तो नोटेबल, उससे चेंज मत कीजिए। जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे अगर आप नियंत्रित वो काम कराते हैं तो डेफिनेटली वो मैरिज बहुत सक्सेस होता है। यू यानी आप जो MBA फाइनेंस होने के बाद दूसरे तरफ बाजारू संत महंत बनते जा रहे हैं, भगवे कपड़े पहन रहे हैं, कुछ तो भी गले में माला डाल रहे हैं, और इसमें आपका मैनेजमेंट और फाइनेंस, हाउ कैन मैनेज यू? मैं एक्चुअली जो मेरा वर्क है वो मैं परफेक्ट वर्क देती हूँ। डिपेंडिंग अपॉन अगर मैरिज का आप लोगे तो मैं सिर्फ गन नहीं मिलाती, बाकी के भी बहुत क्षेत्र होते हैं, हमें चेक करना पड़ता है, लग्न चेक करना पड़ता है, जो भी दोष आते हैं मांगलिक के उसे निवारण कराना पड़ता है तो सक्सेस होता है। डायरेक्ट मैं जो भी है मैं रियलिटी में बोल देती हूँ कि मैच हो रहा है तो मैच। गन को देख के अगर आप शादी करते हो तो वो बिल्कुल सक्सेस नहीं होता है। बाकी के चार दोष भी हमें निकालना है, क्लियर देखना है, क्योंकि आप देखिए मैंने बहुत सारे मेरे इंसिडेंट्स देखे हैं जो एग्जाम्पली मेरे पास आते हैं और वो लोग बोलते हैं दीदी शादी हुई लड़की के 6 महीने में हस्बैंड एक्सपायर हो गया, दीदी ऐसे एक्सीडेंट हुआ कि वो बेड रिड हो गया। क्योंकि वो दोषों में अगर एक दोष भी लगता है तो वो सक्सेस नहीं होता है। इसे हमें एकदम डीपली सब्जेक्ट को पढ़ना है। अगर वर्क ही करना है तो 100% कीजिए, वरना वर्क ही मत लीजिए। नाम रहे साधु संतों का, मैं उनसे मेरा रत्ती भर भी काम नहीं है, बहुत रेती का काम है और मुझे आगे बहुत कुछ पढ़ना है। मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ, अभी बहुत कुछ रिसर्च करना है, सब्जेक्ट को डीपली लेना है और मुझे बहुत सारे लाइफ्स को सेव करना है एकदम राइट पाथ में। ये अगर सिचुएशन मनी के प्रतीक देखेंगे, मैंने बहुत देखे धोखाधड़ी, जैसे मेरे पास आदमी आता है दीदी आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके चार्जेस कितने हैं, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, वेरी कॉस्टली नहीं है। वो अगर रिलेटेड टू उनके फैमिली है, रिलेशन है, लैंड प्रॉपर्टी है, मैरिज है, बहुत मिनिमम चार्जेस है वो, और मैं उन्हें एकदम राइट पाथ में लेके जाती हूँ। और जैसे ही वो मुझे कहते हैं कि मैंने सब कुछ जो भी आपने किया वो एकदम 100% रिजल्ट दिया है दीदी, तो मैं फिर उनको वापस ये भी नहीं पूछती कि आपका काम हुआ या नहीं, सिर्फ 2 बार कांटेक्ट में जाती हूँ और उन्हें ये याद आ जाता है कि हाँ हमारा काम हुआ, तो वहाँ पे मैं स्टॉप कर देती हूँ, ना कि उन्हें सताती हूँ कि हर बार मैंने किया तो काम हुआ, तो अब डेली मुझे कॉल करना है, मुझे थैंक्स बोलना है। एक बार करो, पीछे पलट के मत देखो। अच्छा, डे बाई डे लोगों का एक तरफ अंधश्रद्धा और दूसरे तरफ ब्लैक मैजिक, जिसे हमारे तरफ करनी भामामती ऐसा कहा जाता है, और क्या ये सच में हो सकता है? अगर हो सकता है तो नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए और होने के बाद क्या करना चाहिए? पहले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें प्रिवेंशन लेना बेटर लगेगा। क्योंकि अगर आपको ब्लैक मैजिक से डर लगता है या आप वो बाकी के लोग को देखे हो फैमिली में या नियर बाय किसी को देखते हैं तो हमें डर लगता है उससे, तो प्रिकॉशन के रूप में डेली 2 टाइम दिया बाती घर में होती है, पूजा पाठ होती है, उससे हमें ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती है। अगर आप रोज दिन भर में धूप देते हो घर में कॉर्नर्स में तो नेगेटिव एनर्जी स्थान नहीं ले सकती। हमें नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए धूप देते रहना चाहिए घर में, जिसमें हम गोबरी यूज करेंगे, काउडंग, जो बहुत श्रेष्ठ है, और उससे क्या होता है ये जो भी इश्यू होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब रही बात ब्लैक मैजिक है क्या, मैंने बहुत केसेस डील किए हैं पर उन्हें मैंने डराया नहीं है, बल्कि बहुत ही छोटे छोटे रेमेडी से उसमें से निकाला भी है। यहाँ पे क्या होता है, इंसान जब थोड़ा बहुत इफेक्टिव हो जाता है तो बाकी के आजू बाजू के लोग से साइकोलॉजिकली ज्यादा इफेक्ट होता है। उसे साइकोलॉजिकली पहले स्ट्रांग बनाना है, उसे बताना है कि ये प्रॉब्लम जितना भी है बहुत माइन्यूट प्रॉब्लम है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं।
अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका सोल बहुत स्ट्रांग होता है. जब बॉडी दूसरी, ऐसे बोलते हैं ना कि इविल पावर आ गया, कोई दूसरी आवाज़ आ रही थी, डबल आवाज़ आ रही थी, तो ये मैंने बहुत केसेस देखे हैं, पर उसमें से निकालना भी उतना ही आसान है. भगवान की पूजा पाठ, मेडिटेशन, ये सब अपने सोल को स्ट्रांग करता है. इससे क्या होता है कि हम लड़ने के लिए, उसमें से बाहर निकालने के लिए एकदम साइंटिफिकली हम काम करते हैं, सिंपल टेक्निक्स यूज करते हैं. जैसे लेमन हो, नींबू, जिसमें वो शक्ति है, सिट्रस शक्ति की, जो सोल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है अपने में तो वो क्लियर हो जाता है. अच्छा, यानी नींबू यानी पीना खाना इज वेरी यूजफुल. तो सी विटामिन है जो आपको कैंसर से बचाता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अगर आप नींबू पीते तो एसिडिटी कंट्रोल होता है, वही नींबू पीते तो स्किन टोन अच्छा होता है, वही नींबू को आप काट के नजर उतारते हो तो आप क्लियर हो जाते हो. अच्छा, तो मेन इश्यू मैं देखता हूँ कि लोगों की श्रद्धा कुछ दिन एक क्वेश्चन लेके उमा दीदी के पास जाने का, सक्सेस हुआ तो भी जाने का, नहीं हुआ तो सवाल ही नहीं, फिर उंगलियां मुड़ते जैसा बैठने का. उनका क्या है, बहुत ही पैसे मांगते हैं, बहुत ही पूजा करते हैं, और बहुत बार पूजा नहीं करते हुए भी सक्सेस नहीं हुआ तो लोग बोलते हैं कि उनका कुछ सही नहीं है. और बड़े पैमाने पे पूजा पाठ, होम, हवन, मंत्र पठन, इसके जरिए बहुत सारा पैसा निकाला जाता है. तो ये दोनों क्वेश्चन, कौन कौन से दो क्वेश्चन, फर्स्ट इज कि क्यों ऐसे धोखा से पैसे लिए जाते हैं, और उसके वजह से एस्ट्रोलॉजी पे, हस्तरेखा पे, फेस रीडिंग पे, कुंडली पे लोगों का विश्वास उड़ते जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? फर्स्ट थिंग तो जो आपने कहा धोखाधड़ी, मैंने सुना 50 लाख 25 लाख 25,000, और आप करते हो तो फिर वापस वो आके आपको पूछता नहीं है. नेकी कर दरिया में डाल. पहले पो तो जब हम पूजा पाठ करते हैं वो मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि जो भी इफेक्टिव पर्सन है उसमें से वो बाहर निकल जाता है, पर थोड़ा टाइम लगता है. जैसे हम पूजा करेंगे, होम करेंगे, हवन करेंगे घर में, तो नियरली 3 to 4 hours का होता है, 3 to 4 days का होता है, उससे हमें रिजल्ट मिलता है, पर धीरे धीरे मिलता है. इंसान को आजकल इंस्टेंट की आदत हो गई है, जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि अब की अब मुझे ही मैनेज करना है. तो जितने कर्म आपके है उसे धोके आपको रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा, या तो इंस्टेंटली आपको टाइम लगेगा. हमें उस पे भी एक बार फोकस करना चाहिए कि मैं कितना एफर्टेबल पूजा कर रहा हूँ, मैं कितने श्रद्धा से वो पूजा कर रहा हूँ. कंप्लीट पूजा पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए. कर्म 99.9% कीजिए, वो 1% पूजा पाठ, अपना डिसिप्लिन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी लैंग्वेज, आपका डेली अर्ली मॉर्निंग उठना, ये सब मेंटेन करते हो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली यू रीच द सक्सेस. बहुत बार संत महंत ये अमीरों के होते हैं, यानी आशीर्वाद देते समय पैसा देखते हैं, और दूसरे तरफ प्राइवेटलाइजेशन, जैसा गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, उसी प्रकार अमीर लोग बड़े बड़े संतों को, उनको हेलीकॉप्टर प्लेन देते हैं कि उनका यानी कंट्रोल में, यानी संत पैसे वालों के कंट्रोल में, पीछ में, यानी जब एखादा पॉलिटिकल लीडर, प्राइम मिनिस्टर, चंद्रस्वामी मिले, और कोई तो भी बड़े संत को, हमारे पंत प्रधान फलाने के पास जाते हैं, उनसे लेते हैं, और बहुत सारे संत खुद के मार्केटिंग के लिए इन लीडर्स का, फिर अपने अपने एरिया में के लीडर का नाम लेते हैं. तो इसके बारे में संतों का दोष है, पॉलिटिशियन का दोष है, या पब्लिक का दोष है, और इसमें सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट थिंग तो पूजा पाठ सभी की है, नहीं पैसे वालों की, नहीं गरीब, नहीं मिडिल क्लास.
हम जब ये प्लेटफॉर्म पे, मैं जहाँ तक देखी हूँ, जब एक बार इंसान ये प्लेटफॉर्म पे आता है पूजा पाठ के, तो धीरे 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 माँ की दया से उसकी श्रद्धा, उसकी भक्ति पूजा पाठ से रेज होता है। रेज होने के तेरी वो वहां पे माँ के पूजा के तरफ या भगवान के पूजा के तरफ से डाइवर्ट टू माइंड टू मनी हो जाता है। वहां पे अगर डाइवर्ट होता है तो आप ही नहीं, मैं भी उन्हें स्टॉप नहीं कर सकती हूँ, नहीं कोई रोक सकता है। हमें पूजा पाठ करके एक जिंदगी को अच्छा करना है तो हमें पैसा नहीं देखना चाहिए, वह उस पे काम पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। करो और छोड़ दो, कोई भी किसी के नीचे काम नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअली पूजा पाठ अच्छी तरीके से होके रिजल्ट देने के बाद में वहीं पे वो सीमा स्टॉप करना चाहिए। बहुत बार रामेश्वर बद्दर को लगता है कि उसकी प्रगति बहुत होनी चाहिए, हो रही है, नहीं नहीं उसकी रुकना चाहिए और मेरी होना चाहिए, इस प्रकार का सलाह लेने के लिए आपके पास कोई आते हैं क्या? मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि फलाने सासू से प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे उन्हें कुछ तो ऐसे करो कि मुझे नहीं चाहिए झंझट, या तो मुझे न्यूक्लियरली जाना है बाहर, या तो मुझे उससे निकलना है, या तो उनको कुछ तो कीजिए कि मेरे, मैं उनके कंट्रोल में वर्क नहीं करूं। ये सलाह मैंने आज तक नहीं दी। इतना बाउंडिंगली उनको समझाती हूँ, इतना उनका प्रॉब्लम टेक्निकली, उनका थिंकिंग जो भी साइकोलॉजी उसको स्टडी करके मैं उन्हें ऐसा सोल्यूशन देती हूँ कि ना वो सासू को छोड़ते हैं, ना सासू बहू को छोड़ती है, कॉम्प्रोमाइजली वही फैमिली में हैप्पीली रहते हैं। अब ये सब माहौल देखते हुए एज ए फीमेल, आपके पास गरीब लोग आते होंगे, अमीर लोग आते होंगे, कभी अच्छे बुरे अनुभव आपको आते हैं क्या इन लोगों से पैसे पे? यानी अपन बोलते हैं ना, अपना सपना मनी मनी, आपको भी अट्रैक्ट करने के लिए आपकी ये विद्या, प्राइवेट लिमिटेड टू ए फैमिली, प्राइवेट लिमिटेड टू बी फैमिली, आपको क्या लगता है कि ऐसा कभी होता है क्या? होता है मेरे साथ, पर मैं आज तक कभी भी किसी के तरफ स्टैग्नेटली नहीं रही हूँ। मेरा जहाँ तक काम है वहाँ मैं कंप्लीट करती हूँ और वहाँ से अप टू डाइवर्ट टू द अदर वर्क। और जैसे आपने कहा कि किसी ने मुझे क्वेश्चन डाला है या किसी के मिडिल क्लास का काम किया, गरीब का, तो मैं सिचुएशन टू डिमांड, अगर इंसान गरीब है तो मैं उसे डिमांड नहीं करती हूँ, रीजनेबली उनके जो भी वर्क है कंप्लीट करके मेरे जो भी रीजनेबल चार्जेस है वो मैं लेती हूँ। जो काम मैंने सोशली किया था विदाउट मनी तो वैल्यू नहीं थी, अगर उसे चार्ज कर रही हूँ तो वैल्यू है, अगर चार्ज नहीं करे तो भी वैल्यू नहीं है। इसलिए मिनिमम चार्जेस से हम सर्विस देना चाहिए, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो। अगर वो भूल जाता है अपना काम तो मैं एक ही बोलती हूँ, काम करो और भूल जाओ, वापस उसे आपको रिग्रेट नहीं करना है। आप MBA फाइनेंस हो, एक माँ हो, एक वाइफ हो, एक बहन हो, मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस समाज में लोगों का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा पैसे के और आकर्षित होते जा रहा है और पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए लोगों की तैयारी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बीइंग ए वुमेन, माँ है, बेटी है, बहन है, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी, रिस्पॉन्सिबली अगर मैं पूरे कैरेक्टर्स प्ले कर सकती हूँ। मैंने आप देखते हो कि जब वुमेन्स डे आता है तो वुमेन को मल्टीपर्पज टूल दे के एक सिंबल में खड़ा कर देते हैं, शी इज बैलेंसिंग एवरीथिंग, नर्स से लेके नाइट ग्लास ऑफ मिल्क तक। तो अगर ये बैलेंस कर सकती है एक लड़की तो वो सोसाइटी को भी बैलेंस कर सकती है, इन कंट्रोल में अपने माइंड को, अपने स्ट्रैटेजी को मेंटेन करते हुए सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। एक तरफ सोचना कि एक औरत बढ़ रही है तो वो गलत राह पे जा रही है, ये थिंकिंग बंद होना जरूरी है, क्योंकि जब वर्क करते हैं तो हम चार लोग से मिलते हैं और उनसे पीछे भी हटते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो ये करेक्ट नहीं है कि हमें क्वेश्चन दिया जाए कि आप ये काम नहीं कर सकते। वुमेन कैन डू एवरीथिंग,
बट अगर हम उसे प्लानिंग के हिसाब से वे ऑफ करेक्ट से करेंगे तो जो भी कैरेक्टर दिया जाएगा वो माँ का रहो या बहन का रहो वो डेफिनेटली कंप्लीट होता है। आप मानस शास्त्र का अभ्यास करते हो, आप समाज शास्त्र का गाइडेंस करते हो, कुछ इश्यू में मैंने देखा आप मेडिकली भी गाइडेंस करते हो, हाउ कैन दिस पॉसिबल? माँ की कृपा है। थोड़ी सी मेरी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको देती हूँ। एज आई कम्प्लीटेड माई एजुकेशन इन कॉन्वेंट, सेंट मेरीज कॉन्वेंट में मेरी एजुकेशन कम्प्लीट हुई है फ्रॉम कोत्तागुड़म। तो मैं वो कम्प्लीट करते हुए एज ए सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी एंड साइंस, और मेरे पास मैथ्स भी है, सोशल भी है, सब है सब्जेक्ट। तो मैं क्या करती थी, ये टेंथ होने के बाद इंटरमीडिएट में बायोलॉजी के बुक्स भी पढ़ती थी। इंटर आई एम कम्प्लीटिंग माई सी एस सी, एट द सेम टाइम मैं साइंस भी पढ़ती थी। जैसे मेरे मम्मी पापा का ट्रीटमेंट चलता था तो मैं डॉक्टर्स को क्वेश्चंस डालती थी, सर ये कैसे हुआ, ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये कैसे क्यों हुआ, इसको ट्रीटमेंट को आप क्या क्या मेडिसिन यूज करते। ऐसे मैं रिसर्च करते हुए माँ की दया से ज्ञान का जितना हो सकता है बुक्स पढ़ना, उनके ऊपर जो भी रिसर्च है करना। ऐसे जो अगर मैं कोई चीज़ खाती भी हूँ तो मैं उसे रिसर्च करती हूँ कि ये चीज़ कैसी बनी और क्या है इसमें इंग्रेडिएंट्स कि मेरे बच्चों को इतना पसंद आया और उसमें मेरे बच्चों को क्या विटामिन और मिनरल्स मिल रहे। तो मैं साइंस का आंसर देती हूँ, मैं सोशल का भी देती हूँ, बीमारियों का भी देती हूँ, और इंसान पूजा पाठ में डालता है तो प्रश्न उसका भी उत्तर देती हूँ। सबसे शॉर्टकट, हमको शॉर्टकट की आदत है, सबसे शॉर्टकट मेथड होम हवन है, पूजा है, मंत्र पठन है, सबसे सक्सेस के लिए विच वे इज जल्द से जल्द फल देने वाला विषय कौन सा है? अरे वे बॉडी डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन्ड अगर बॉडी होगी आपकी, हाँ, जल्दी उठना, काम पे जाना, इन टाइम वर्क कंप्लीट करना, तो रिजल्ट आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव ही मिलेगा। पूजा पाठ मंत्र और आपकी विद्या, या आपका आप डॉक्टर है, लॉयर है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर आप कुछ टाइम ही नहीं मेंटेन करोगे, डिसिप्लिन ही मेंटेन नहीं करोगे, प्लानिंग ही नहीं है, तो सक्सेस कैसे रहेंगे? दीदी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट इसका सॉल्यूशन समाज को बहुत जरूरी है। जब बच्चा नहीं होता तो बहुत बार लेडीज को लगता है मिस्टर में कुछ तो भी होगा, मिस्टर को लगता है मिसेस में कुछ तो भी होगा, और रास्ता बदल के अलग अलग प्रयोग करने का सोचते हैं, फिर हैबिट अलग अलग पीने की खाने की ऐसे लगते हैं। तो ये समाज में दिन ब दिन ये जो होते जा रहा है कि हम इंटरकास्ट मैरिज या ये जो सब समाज का चित्र है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने इस क्वेश्चन का एक आंसर देना चाहूंगी, फर्टिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कुंडली भी होता है। अगर आपके स्थान में थोड़े वेरिएशंस होते हैं तो बच्चे होने में थोड़ा लेट होता है। सैंपल रूप में एक केस आपको मैं डिस्कस करना चाहूंगी। एक लेडी की शादी हुई थी एक 50 इयर्स बैक, 13 इयर्स में, तो छोटी लड़की है, कंसीव होने में टाइम लगता है, तो उसे घर में शंटिंग्स मिलती है कि बांझ है, बच्चा नहीं हो रहा, ये सब सिचुएशन हैंडल करना उसका मतलब भी नहीं मालूम है एक्चुअली, उसे वो होता क्या है नहीं मालूम है। तो अगर उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे पूजा पाठ करो, मंत्र पठन करो, ये उपवास करो, वो करे, यस वो रिजल्ट देता है 100% पूजा पाठ मंत्र पठन देता है, पर आप सही एज में सही डिसीजंस लेते हो तो वो सही है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग लड़की पे भी डिपेंड होता है, उसे समझाया कैसे जा रहा है। अगर आप 13 वर्ष में शादी करके उनको 1 वर्ष में बच्चा पूछते हो तो बॉडी कहाँ, हॉर्मोन्स कहाँ बैलेंस हो रहे हैं, हमें उसे कंसिडर करना पड़ता है। और वो 19 से लेकर 21 ईयर्स तक बच्चे नहीं होते हैं, और 21 ईयर में होता है तो उसे क्या मिलता है आंसर, मैंने शिव जी की पूजा की इसीलिए मुझे लड़का हुआ। कोई बोलता मैंने दुर्गा माँ की पूजा इसीलिए मुझे लड़की हुई,
पूजा पाठ इतने साल से मेरे को बचा हुआ, एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन बॉडी, आपके खाने की जो जो भी आप इंग्रेडिएंट्स खा रहे हैं वो बहुत इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट कैसा है वो भी इफेक्ट करता है घर का, ये सबको कंसिडर करते हुए अगर आप देखते हो तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव में मिलेगा, मगर सोच बदलनी चाहिए, एनवायरनमेंट बदलनी चाहिए, खाने का जो भी सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए, तो फर्टिलिटी के लिए कोई भी सेंटर्स की जरूरत नहीं है। अभी तक आपने एक 15 साल में कितने लोगों को सलाह दी, उसमें 10% ये, 20% ये, 30% ये, ऐसा यानी है, इसके बारे में थोड़ा बोलिए। अभी तक मैक्सिमम 1,000, 2,000, 3,000। एक्चुअली तो संख्या बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि मैं एक बार करने के बाद में फिर रिटर्न कॉल करना, उनके फीडबैक लेना नहीं, मैं बस एक बार पूछती हूँ तबीयत ठीक है या लड़का हुआ या लड़की हुई सक्सेस ओके, इवन मैं जाती भी नहीं हूँ मिलने के लिए बहुत तक, सिर्फ मैं ट्रीटमेंट दे के वहीं पे ही स्टॉप हो जाती हूँ, और मैं दूसरे एक क्षण उसमें लग जाती हूँ कि मैं और क्या करूँ कि मैं और पॉजिटिवली ये मेथड्स को निकाल के पॉजिटिवली पुराने मेथड से इनको मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। रही बात मेरे केसेस डील करने की, मैंने बहुत तक संतानों के केसेस बहुत सक्सेसफुली डील किए हैं, ब्लैक मैजिक के भी बहुत सक्सेसफुली डील किए हैं, और पूजा पाठ में बहुत तक लेडीज को डाइवर्ट किया है, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्क में ज़्यादा, जैसे मैं मेरे को इंस्टाग्राम में बिजी हूँ मैं, फेसबुक, उसमें से निकाल के मैंने लेडीज को पूजा के तरफ डाइवर्ट किया है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन, भाई भाई का झगड़ा, मिस्टर मिसेस का झगड़ा, बच्चा, एजुकेशन, मैरिज, इसका कैटेगरी कितने परसेंट आने वाले केसेस में नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहे, मिस्टर मिसेस का नहीं जम रहा, सास बहू का नहीं जम रहा, घर एक जगह नहीं रह रहा, इसमें कैटेगरी वाइज और फैमिली इश्यू और हेल्थ इश्यू, इसके बारे में थोड़ा समझा कर बोलिए। फर्टिलिटी के लिए मैंने नियरली अभी तक जितने केसेस डील किए जहाँ तक मैं जानती हूँ, एक 70% ले सकते हो आप आराम से। अच्छा। मैं सक्सेस हूँ। करियर के लिए तो 100% सक्सेस हूँ मैं। बच्चों को बहुत अच्छा गाइडलाइंस देती हूँ, उनके डिपेंडिंग सपोर्टिव करियर्स को सेलेक्ट करने में उनको गाइडलाइंस देती रहती हूँ जब तक वो जॉब नहीं लगता, और जॉब लगने के बाद में मैं उनको एक ही गाइडलाइंस देती हूँ कि पैसे की सेविंग्स कैसे रूप में कैसे किए जाए, वो गाइडलाइंस देके मैं छोड़ देती हूँ, वो भी आप आराम से 100% ले सकते हैं। फैमिली इश्यूज को मैं डिपेंडिंग अपॉन ऑल द मेंबर्स ऑफ फैमिली, सब मेंबर्स ऑफ फैमिली की साइकोलॉजी को हमको पढ़ना पड़ता है। अगर मैं भाऊ को ही ज्यादा सपोर्ट करूंगी तो सासू माँ को गुस्सा आएगा, सासू माँ को ज्यादा करूंगी तो बेटे को गुस्सा आएगा, बेटे को अगर सपोर्ट कर तो जवाई गुस्सा आ जाता कि बेटी को कुछ नहीं मिल रहा है ससुराल से। ये सब सिचुएशन को मुझे सीखना है, उनसे पूछना है, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ना है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट देती हूँ। तो ये बहुत केसेस होते हैं कि मेरे कांटेक्ट में आते हैं फिर थोड़ा सा ऐसे डर जाते हैं, क्योंकि उनकी जिठानी भी मेरे कांटेक्ट में होती है तो देवरानी डरती है, तो मैं किसका सीक्रेट वहीं पे रखती हूँ और बैलेंसली उनको कंप्लीट डिसीजंस दे के बैलेंस कर देती हूँ लाइफ को। वो एक आप आराम से 60% ले सकते हैं। आज कल के युवक करियर बनाने के इसमें कैरियर बनते जा रहे हैं, तो करियर के बारे में आपका क्या कहना है? जो वर्ड आपने यूज करा कैरियर बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑटो में जा रही थी एक लड़की, ऑटो में चढ़ रही थी, उसकी बैग उसे नहीं उठ रही थी, वो ऐसे पीछे तरफ गिर जा रही थी। मैंने थोड़ा सा हेल्प किया और बिठाया। आई आस्क्ड हर व्हिच क्लास यू आर स्टडिंग, शी सेड ओनली आई एम इन फोर्थ। यू आर इन फोर्थ एंड यू आर कैरिंग 40 kgs, 40 किलो उठा रही हो चार्वी क्लास पढ़ के, तो बर्डन ऑफ स्टडी बढ़ रहा है। और एक सब्जेक्ट के पीछे जहां मैंने पढ़ाते दो ही बुक्स थे, एक टेक्स्ट बुक एक मेरी नोट्स, आज एक सब्जेक्ट के पीछे छे है, फिर भी बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, ना ही सब्जेक्ट है ना ही नॉलेज है। बच्चे के पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चों को क्या होना है, तो हमें
क्या करना है, बच्चों का जब बच्चे जब पैदा होते हैं तो नियरली 3 इयर्स तक निश्चिंत उनको पालना है, पोसना है, बड़ा करना है। बाद में उनके करियर एक बार एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलिए और उन्हें गाइडलाइंस लीजिए कि उनको क्या सूटेबल है, और उन्हें 10th क्लास तक छेड़िए मत। उनका जो भी लाइफ है उन्हें एंजॉय करने दीजिए, पढ़ने दीजिए, खेल कूद में, ना कि मोबाइल के गेम्स में। ये सब आप डाइवर्ट करिए बच्चों को गेम्स में, मोबाइल में से। और जैसे करियर की बात आती है, डिपेंडिंग अपॉन द कुंडली चार्ट सूटेबल करियर्स होते हैं जो 40%, 50%, 90% होते हैं। उसमें अगर वो चॉइस करा के बच्चों को हम गाइडलाइंस देते हैं तो वो एक परफेक्ट सक्सेसफुल पर्सन होता है। मैं खुद कुंडली चेक करके सपोर्टिव जो भी करियर होता है उसे गाइडलाइन देती हूँ, उसे कैसे स्टडी टेबल बनाना है अपना, और टाइम टेबल कैसे मेंटेन करना है, कौन से बुक्स प्रीफर करना है, और करियर को कैसे डिजाइन करना है विद इन द प्लानिंग ऑफ पीरियड ऑफ मंथ और ईयर दे के उनको सक्सेसफुल करती है। एक थोड़े जन के कुंडली में शादी का अगर हम लेते हैं तो 24 इयर्स में होती है, 26 में होती है, किसी की 19 में ही हो जाती है, किसी की 20, 30, 35, 40 क्रॉस होने के बाद में। तो ये गाइडलाइंस में परफेक्टली देती हूँ कि आपकी शादी इतने साल बाद ही होने वाली है, तो जब तक इंस्टेड ऑफ शादी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन से अगर वो करियर पे लगाता है तो सक्सेस होता है, तो ऑब्वियसली 2 साल बाद में शादी भी सक्सेस ही होगी। बहुत सारे यूथ यानी शादी के इशू में परेशान नहीं बोलूँगा, लेकिन समय पे शादी नहीं होती, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ऐसे इशू आपने कितने परसेंट सक्सेस रिजल्ट दिए हैं? 70%। अच्छा, तो आज हमारे सामने एक सवाल है कि पॉलिटिशियन बहुत बड़े पैमाने पर ये संत महंत पूजा विधि करते हैं और वो ये संत महंतों को पैसे पे खरीदी करने का सोचते हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमारी विद्या पूजा पाठ की खरीदने की नहीं है, कोई हाँ। खरीद नहीं सकता है और हम नहीं बेच सकते हाँ। और हम बेच भी नहीं सकते उसे हाँ। ना आप खरीद सकते हो ना मैं बेच सकती हूँ। रही बात पॉलिटिशियंस की, तो ये ऐसा नेटवर्क है, एक्चुअली ऐसा वेब जाल है जिसमें इंसान एक बार उतर गया तो वो खुद भी फंसता है, दूसरों को भी फंसा ही जाता है। अच्छा, तो हमें क्या करना है, बैलेंसली उनका जो भी करियर है उन्हें गाइडलाइंस दीजिए कि पोजीशन कैसी है आपकी, आपको क्या पूजा पाठ करना है, करवाइए, और वहां तक ही सीमा तक रहेंगे। तो ना कोई मनी माइंडेड होगा संत, नहीं उसे लालच होगा, नहीं वो रॉन्ग पाथ में जाएगा। हस्तरेखा से भी कहा जाता है कि पहले के ज़माने में मैं जब बच्चा था तो तुझे 2 औरतें हैं, तुझे 2 लड़के हैं, 1 लड़का होने वाला है, 2 लड़के होने वाले हैं लेकिन एक अच रहने वाला है। रियली हस्तरेखा बताती है क्या? बताती है। अच्छा, आपकी लाइफलाइन बताती है, बच्चे कितने हैं बताती है, प्रॉपर्टी आई मीन आपके घर कितने होंगे बताती है। घर मींस वाइफ या हाउस? घर यानी आप जितने मकान लेने वाले हो, बिल्डिंग्स लेने वाले हो या लैंड प्रॉपर्टीज लेने वाले हो, आपकी प्रॉपर्टी, वेल्थ, लाइफलाइन, बच्चे, वाइफ सब बताती है। पर मैं क्या बोलती हूँ, जब आपके पास कोई प्रिडिक्शन कराने आते हैं तो आप कंसिडर कर लीजिए एनवायरनमेंट कैसा है, उनके साथ कौन कौन आए हैं, उसे पकड़ के आपको सिचुएशन को हैंडल करते हुए अगर रिजल्ट बोलते हो और पर्सनली डिस्कस करना है तो आप बाद में आइए बोल के अगर आप हिंट देते हो तो लाइफ सिक्योर होती है, ना कि वो टूटती है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार अब रामेश्वर बद्दर उसके हस्तरेखा लाइफ लाइन बता रही है, और कुछ लोग तो ऐसे रहते हैं कि ये तारीख को तुम बाद नहीं रह सकते, तुम्हारी डेथ है, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तुम्हारा पेट का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, तो ये बोलते समय आप उसको यानी जैसा बोलते ना सर्जरी करते समय डॉक्टर उसको पहले क्या करता है, प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर नहीं
यानी क्या बोलते हैं उसको, ये करते हैं ना साइकोलॉजिकल, नहीं डॉक्टर चिरपार एनेस्थेसिया का यूज करता है। तो आप आने वाले पेशेंट के बारे में समझो, आज रामेश्वर बद्दर जी रहा है, रामेश्वर बद्दर के लाइफ में ए डिसीज, ए प्रॉब्लम, ये फैमिली प्रॉब्लम आने वाले हैं, तो ठीक है, नेचुरल रहा, समझदार रहा तो समझ सकता है, लेकिन बहुत बार सच बोलना भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस समय आप कैसा टैकल करते हो? सिचुएशन बहुत ही टेक्निकली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि जब अगर इंसान की मौत का क्वेश्चन आता है तो मैं प्रिडिक्शन देती हूँ कौन से डिसीज आने वाले हैं, आपको ऑपरेशन होगा या नहीं, उसे नॉर्मल मंत्र तंत्र से भी हम उसे क्लियर कर सकते हैं, वो भी प्रिडिक्शन देती हूँ। और रही बात आपने जैसे बोला कि धीरे धीरे पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है, वैसे ही हमको भी क्लियरली एकदम स्मूथली हैंडल करना पड़ता है। डायरेक्ट आंसर कभी नहीं दे सकते, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन एज, एज डिपेंड करते हुए हमें धीरे से उनको पीछे से पलट के जवाब देना पड़ता है। उसके पहले मैं उनको रेमेडीज दे देती हूँ, उनको पता नहीं चलता कि वो रेमेडीज से उनको क्या होने वाला है, पर वो रिजल्ट मुझे कुंडली चेक करने पे दिखाई देता कि यस वो बैलेंस होने लग गया। मृत्युगण होता है 5 से 4, जैसे शनि दशा 3 बार लगती है यौवन में, फिर अपने बचपन में, फिर अपने को बुढ़ापे में, तो डिपेंडिंग ऑन दैट भी मैं उनको गाइडलाइंस देती हूँ कि आप छोटे छोटे रेमेडीज करते रहिए, इससे आप बैलेंसली अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। ये महाराज लोगों में, जैसा पॉलिटिक्स के लोगों में दिन ब दिन जलसी बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सिचुएशन कैसी होती है, अगर ऑब्वियसली एक लकड़ी बहुत लंबी है तो छोटी लकड़ी ऐसे ऊपर करके देखना पड़ता है उस लकड़ी को। इंसान भी वैसे ना, अगर कोई ऊंचा जा रहा है तो हम भी वैसे देखेंगे। सोसाइटी में एक एक जना एक एक पोजीशन में बैठेगा तो ही सोसाइटी का काम होता है। इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलेसी, आप ऐसा कुछ सोचे कि आप क्या कर सकते हो अपने काम में या आपके कर्म में कि आप वहां तक पहुंच सकते हो, ना कि जेलेसी फील होना है, नहीं उसके लिए कोई रॉन्ग पाथ में जाना है। मैं मेरे 69 ईयर के उम्र में बहुत गरीब अमीर होते हुए देखे, बहुत कॉमन मैन, बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े दाम वाले बनते हुए देखे, लेकिन जब सत्ता और संपत्ति आती है तो आदमी आदमी नहीं हैवान बनता है, और दान से धन की शुद्धि होती है, मंत्र से मन की शुद्धि होती है, ये भूल के जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सत्ता और संपत्ति पाप लेकर ही आती है? सत्ता और संपत्ति पाप नहीं लेके आती। इंसान का जब धीरे धीरे जब पैसा बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ये गलत है, मैं कर सकता हूँ, ऐसे उसको प्रिपेयर होना चाहिए, ना कि मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर मैं ही कर सकता हूँ प्रिपेयर होता है तो वो डेफिनेटली जो आपने बोला सत्ता और संपत्ति आती है तो वो घमंड ही बढ़ाती है, ना कि उसे कम करती है। हमें क्या करना है इस सिचुएशन में, जब जब जो जो पाठ पुण्य पूजा पाठ होती है महीने की महीने, या कुछ भी भगवान का दान पुण्य होता है, वो रेगुलरली करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, अगर आपसे कोई मिस्टेक होता है, सिंपली एक मिनिस्टर जी को साइन करना है कि ये लैंड बनाना है, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग खड़ा करना है, तो वहाँ पे गरीबों की झोपड़ियाँ तो खाली करवानी पड़ती है। वो छोटा सा पाप अननोनली उनको करना पड़ता है, क्योंकि वो मजबूरी, वो इस सिचुएशन में बैठे हैं और उन्हें साइन करना ही पड़ता है। इसे टाइम पे उनको क्या करना है, जो उनका दान है, उन्होंने जो खाली हुए हैं उनको थोड़ा घर बनाने के लिए अगर दे देते हैं दान में, तो वहां पे वहां उनका पाप बैलेंस हो जाता है। और फैमिली फ्रेंड्स की भी सपोर्ट ज्यादा है। अब आपका लक्ष्य, जैसा मेरा पेपर छोटा था, 2 पेजेस का था, 4 पेजेस का हुआ, कलर हुआ, यानी इस प्रकार मैं इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट करते समय आपका लक्ष्य, यानी छोटे छोटे सॉल्यूशन, चुटपुट घटनाएं तो होती ही रहती है, ऐसा लक्ष्य कि मेरे कहने पे या कहने पे नहीं, मैं
जो एनालाइज करूंगी वो देश के लिए और तेलंगाना के लिए, महाराष्ट्र के लिए, आंध्र के लिए, यानी आपका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन विच फील्ड, पॉलिटिक्स, सोशली, फैमिली या कौन से, इसमें आपका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन है? टिपिकल क्वेश्चन विद ए सिंपल आंसर। मैं फर्स्ट फैमिली के सॉल्यूशन देना बहुत पसंद करूंगी। अगर फैमिली स्ट्रांग है तो सोसाइटी स्ट्रांग, क्या बात है, क्या बात है। अगर सोसाइटी स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली मेरा देश भी स्ट्रांग है। मुझे पहले यूथ पे कॉन्सेंट्रेशन करना है। एज आई एम होल्डिंग 35 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने मेरे करियर चॉइस करने के लिए बहुत प्रॉब्लम इशू हुए थे, जो मुझे सपोर्टिव नहीं था लाइफ में। आज वो मुझे यूथ को देना है, करियर सेटलमेंट करना है, एक सक्सेस स्टेट देना है उनको, कि वो स्टेज पे वो खड़ा होके मुझे याद करे ना करे, पर भगवान को निरंतर याद करते रहे, देश को याद करते रहे। क्योंकि अगर एक यूथ सक्सेस है तो ऑब्वियसली एक देश सक्सेस है। धन्यवाद। मैं आपसे विनती करूँगा कि आपका श्रोताओं को मोबाइल नंबर देना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है, तो आप आपका मोबाइल नंबर कहिए। मेरा मोबाइल नंबर है 7995489640। वंस अगेन, आप इसे टाइम लिमिट में आप डायल कर सकते हैं। इनका मैं टाइम रखती हूँ अटेंड करने के लिए, क्योंकि 5 के आफ्टर हम ना देखते हैं ना ही कोई कार्य करते हैं। क्योंकि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में उसे छिया नहीं जाता है। इमरजेंसी केसेस में, जैसे पेशेंट है या कोई एक्सीडेंट हो गया है या तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ऑब्वियसली हम ऑनलाइन में फ़ोन करके या ट्रीटमेंट देते हैं या तो डायरेक्ट जाके भी ट्रीटमेंट देते हैं। उमा दीदी, आपने हमको मुफ्त में बहुत सारी, हमको यानी सभी को, दुनिया के श्रोताओं को बहुत सारी सलाह दी। डे बाय डे आपकी प्रगति होए, आपके जो स्टडी में इतनी पावर आए, जो जलने वाले रहते हैं वो जला करे, किस्मत हमारी साथ है उस प्रकार। मैं माँ ललिता जी से प्रार्थना करता हूँ, आप घर से राष्ट्र, इस ये जो विचार रखते हो ये बहुत ही अच्छा विचार है। आप खुद की, फैमिली की, समाज की, राष्ट्र की बहुत उन्नति प्रगति करे, यही मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ, सभी को कहता हूँ। इंटरव्यू थोड़ा बड़ा है, समय ज़्यादा है, लेकिन आप सुनिए, फुर्सत से सुनिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, और ये मराठवाड़ा नेता फेसबुक और यूट्यूब इस दोनों पे रहेगा। प्रार्थना है कि बार बार आप हमको अलग अलग सब्जेक्ट पे, ये हो गया टोटल ओवरऑल, अलग अलग सब्जेक्ट पे 10-10 मिनट के अपने इंटरव्यू बाद में लेंगे। धन्यवाद। जय मां अंबे, जय मां अंबे।